आउटसाइड टेम्परेचर जो बता रहा है गाड़ी में वो तो बता रहा है 3 डिग्री का। टाइम अभी हुआ है 4:51 शाम के, और अब हम निकले हैं वापस रोहतांग से अटल टनल के लिए। तो अटल टनल के अपन जो सिसु साइड वाला जो पोल है उस तरफ से मनाली जाएंगे। तो अब आपको थोड़ी देर में हम दिखाते हैं अटल टनल, तो आप जो है तब तक ये नज़ारा एंजॉय कीजिए, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है, शाम पड़ रही है, घटाएं छा रही हैं, बादल हो रखे हैं, और स्ट्रोफ्लेक्स उधर तो आ रहे थे, यहाँ पे नहीं थे। बाकी हाथ सुनो रखे, पैर सुनो रखे, और चेहरा भी हल्का हल्का सा जितना टोपे के अंदर था वो तो बचा हुआ है। टोपे के बाद वाला जो सेक्शन है इधर दिखा, टोपे के ये बाद वाला, ये वाला जो सेक्शन है ना ये सुनो रहा है भाई। ये जाते वक्त के नजारे देखो आप के कैसा सीन दिखता है, कैसे व्यू दिखते हैं। बाकी स्नो तो इतनी फ्रेश है, इतनी फ्रेश स्नो मैंने बारालाचा में देखी थी 2019 में जब मैं गया था, तो बारालाचा में भी बिल्कुल ऐसा ही फ्रेश स्नो थी, बिल्कुल कोई डस्ट कोई पोल्यूशन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल विग्ड व्हाइट। रोहतांग पे फर्स्ट टाइम मैंने स्नो एक्टिविटी करी है, इससे पहले मैं जब 2015 में आया था मर्डी तक ही हमें आने दिया था, भले मैं मई मंथ में आया था, 20 मई के बाद आया था, और 2016 में जब मैं आया था तो इतनी स्नो नहीं थी, भले दिसंबर में आया था मैं, स्नो नहीं थी बहुत, एक बार स्नोफॉल हुआ था, हल्का हल्का सा स्नो थी। 2017 में जब मैं आया था तो मैंने स्नोफॉल देखा था, और 2018 में जब हम आए थे तब हम गुलाबा तक हमें आने दिया था, गुलाबा में हमने स्नो पे ट्रैक करी थी। 2019 में मैं आया था, ले जा रहा था, तो मैं रोहतांग पास पे रुका ही नहीं, क्योंकि पॉल्यूटेड बर्फ थी, बिल्कुल जो स्नो थी बिल्कुल पॉल्यूटेड थी, काली पड़ रही थी। मेरा मन नहीं किया कि यार इस गद्दी स्नो में मैं कुछ एक्टिविटी करूं। गाइस 1 डिग्री टेम्परेचर आ चुका है, हम रोहतांग से नीचे उतर रहे हैं। अटल टनल 6 किलोमीटर अहेड। 2020 में शायद ही ओपन हुई थी और कोविड आ गया था, तो 20 के बाद से हमारा मनाली आना हुआ ही नहीं। काफी बार हमने ट्राई किया, प्लान भी किया, लेकिन बैठ नहीं पाया। तो फाइनली आज जो है हम अटल टनल को क्रॉस करेंगे। और रिवर राफ्टिंग जो सबसे खतरनाक होती है वो होती है अपनी ऋषिकेश वाली, मैंने कर रखी है ऋषिकेश वाली भी, और मनाली वाली भी कर रखी है। बाकी ऋषिकेश वाली में तो पार्ले जी जो है पैकेट फट गया था और एक लद्दाख वाली भी करनी है, कभी मौका मिलेगा तो लद्दाख में जो रिवर राफ्टिंग होती है वो भी करेंगे कभी, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और यही रोड जो है लद्दाख जाता है, लेह लद्दाख जो है वो यही रोड जाता है। 2019 में जब हम गए थे इसी रोड से गए थे, और हमने नाइट स्टे किया था मनाली से निकलने के बाद जिस्पा में, और जिस्पा इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत है, रिवर साइड फ्रंट जो जिस्पा में होता है ना वो कहीं नहीं होता। बहुत बेहतरीन कैंपिंग सेटअप वहाँ पे होता है, टेंट लगे रहते हैं, बॉनफायर वगैरह होता है, और ग्रुप जो आते हैं तो फुल एंजॉयमेंट होता है। अब पहले तो मैं क्या शूट करता नहीं था, इस वजह से अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा लद्दाख ट्रिप होगा तो वो शूट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। पहले जो अपन की सीरीज चल रही थी वो चल रही थी स्पीति वैली की सीरीज, स्पीति वैली में अपन थे, और ये वाला जो सेक्शन है ये लाहौल स्पीति कहलाता है। मनाली के बाद, रोहतांग के बाद जो है ये पूरी जो बेल्ट है ये लाहौल स्पीति कहलाती है। ये भी खूबसूरत है वैसे, लाहौल स्पीति भी काफी खूबसूरत है। बारालाचा तक अभी अलाउ था गाड़ी का जाना, लेकिन हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम है ना पहाड़ों में घूम घूम के पक चुके हैं। और खास तौर से तो जो पास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, कुंजुम पास से मनाली के बीच का जो रोड था ना, उसकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा मतलब इरिटेट हो गया मैं कि यार अब तो फ्लैट में चले या घर चलते हैं। तो हमारा रिटर्न जर्नी हम जो है कल से स्टार्ट करेंगे, हमटा पास, पहले हमटा पास जाएंगे, उसके बाद फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे हमारी। गाइज अटल टनल से सिसु का डिस्टेंस 5 किलोमीटर के आसपास है,
लेकिन हम 5:30 बज रहे हैं तो थक भी गए हैं यार उस रोड की वजह से। तो हम वाया अटल टनल हम मनाली जाते हैं, वहाँ स्टे करते हैं। और सामने आप देख सकते हैं अटल टनल का जो दूसरा पार्ट है, अब ये नॉर्थ है साउथ है मेरे को नहीं पता है, अभी अपन देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। और ये निकलेगा सोलांग वैली, सोलांग वैली के वहां पे हमें निकाल देगा। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है। आप फ्लैग्स देख सकते हैं, फ्लैग्स बहुत तेज उड़ रहे हैं, देखो। और अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल, ये है इसका नॉर्थ पोर्टल। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो है 40 किलोमीटर पर आवर की, और आई थिंक यहाँ पे कैमरे भी लगे होंगे स्पीड टेस्टिंग वाले, तो अपन चल रहे हैं 40 पे। बाकी अंदर से जो है मुझे थोड़ी सी पॉल्यूटेड लग रही है, आप लोगों को भी शायद कैमरे में विजिबल हो रहा होगा कि पॉल्यूशन हो रखा है। डू नॉट लिटर 40 गाइस। जब थोड़ा सा और आगे चले हम एक किलोमीटर के आसपास मान लो, और स्पीड लिमिट जो है अब इसमें यहाँ पे आ चुकी है 60 की, कि आपको मेंटेन करनी है स्पीड लिमिट 60। और जो साउथ पोर्टल है इसका 8 किलोमीटर और है, तो मतलब अपन 9 किलोमीटर लंबी टनल है, 9.2 है आई थिंक। तो 9.2 में से फर्स्ट किलोमीटर जो है साउथ पोर्टल से वो तो है 40 स्पीड लिमिट का, उसके बाद 60 की स्पीड लिमिट यहाँ पे सेट है। और नो स्टॉपिंग, स्टॉप नहीं करना है यहाँ पे, गाड़ी नहीं रोक सकते आप। गाइस फाइनली जो है साउथ पोर्टल आने वाला है, आधा किलोमीटर बचा है यहाँ से। और साउथ पोर्टल आते आते जो है इन्होंने लाइटिंग को थोड़ा बढ़ाया है, ताकि अपन जैसे बाहर निकले और रोशनी ज़्यादा हो तो अपने को विजन जो है ब्लाइंड नहीं हो, अपन प्रॉपर दिखे। 40 की स्पीड लिमिट हो गई है वापस से, और ये निकलते हैं अपन बाहर। पार्किंग, और यहाँ का नजारा वापस से कुछ अलग है, खूबसूरत है, बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं वापस से। थैंक्स एंड विजिट अगेन। ओके सोलांग वैली 10 किलोमीटर है, मनाली 24। जो है वो इसी तरीके के कलर के पेड़ होंगे अभी, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ना, क्योंकि ये यहाँ का एक तरीके से बोल सकते हैं अपन पतझड़ का मौसम आया है, तो येलोइश कलर के हो जाते हैं प्लांट। भाई सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये पुराना रोहतांग रोड हुआ करता था, आई थिंक पुराना रोड यही था, और ये जो पुलिया है ये नई बनी है। 2019 तक जब हम आया करते थे तब ये पुल नहीं बना था, पुराना रोहतांग रोड तो, पर मेरे हिसाब से सोलांग वैली को पार करे बाद आएगा शायद, क्योंकि जब हम लास्ट जब 2019 में आए थे ना, तब अटल टनल का काम चल रहा था, उस टाइम पे सोलांग वैली के लिए जो रोड जाता था वो तो सीधा निकल जाता था जब रोहतांग जाते थे, और रोहतांग के लिए अपन राइट टर्न लेते थे ऊपर। तो अभी देखते हैं आगे आएगा वो पता लगेगा, तब जाके क्लियर होगी पोजीशन मुझे दो। छोटी छोटी और टनल्स भी है, मतलब एक टनल ये भी है। एक छोटी टनल है ये, एक और जो है अंडरपास है ऊपर, पता नहीं क्या सीन है, और ये भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अब पुराना रोहतांग रोड आ जाएगा, थोड़ा सा आगे निकलते ही पुराना जो रोहतांग रोड है वो आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मनाली यहाँ से 15 किलोमीटर बचा हुआ है। बिल्कुल ये रहा, ये पुराना रोहतांग रोड होगा जो लेफ्ट में गया है। मनाली की रौनक जो है वापस लौट आई है,
मॉनसून सीजन निकलने के बाद मनाली में टूरिस्ट वापस से बहुत तादाद में है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, भीड़ पड़ रही है मॉल रोड पे। नीट एंड क्लीन है और पॉल्यूशन फ्री है, सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन फ्री है। अभी ट्रैफिक जाम की सिचुएशन भी ऐसी कुछ मुझे लगी नहीं। बस जो इन्होंने मनाली ले हाईवे जो बनाया था, जो बह गया, वहाँ ज़रूर सिंगल लेन हो रखा है, तो उस जगह ज़रूर हमें रुकना पड़ा था थोड़ी देर के लिए। मनाली में टूरिस्ट जो है अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, पूरी फौज चल रही है। तो गाइस फाइनली हम जो है मनाली पहुंच चुके थे और हमने ये होटल लिया है, ये रूम इधर, ड्रेसिंग मिरर, कबर्ड इधर, वॉशरूम है, टीवी इधर, बालकनी आई थिंक, कोई व्यू नहीं है। पर ये था आज का सफ़र, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।